Hello friends, welcome to P-Learning Tech, myself Alok, and in this session we are going to discuss about the most important topic, that is microwave and radar engineering. Microwave and radar engineering, electronics engineering final year का बहुत ही important subject है. यह subject अपने अंदर बहुत सारे chapters भी contain करता है, बहुत सारे topics भी contain करता है. उन सभी topics की videos मैं one by one करके आप सभी को समझाने का प्रयास करूँगा और अपने इस चैनल पर ही पोस्ट करता रहूँगा. देन प्लीज़ आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए. और आइए सबसे पहले हम माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग में कि माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग में सिलेबस क्या है. तो इसका पहला यूनिट मैं इस चैप्टर में कवर करने का थोड़ा टॉपिक कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ. तो आइए सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं कि यूनिट नंबर वन का सिलेबस क्या है. इसमें सबसे पहले आपको माइक्रोवेव और उसके अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ना है, जो कि इंट्रोडक्शन टू माइक्रोवेव्स एंड इट्स एप्लीकेशन के नाम से जाना जाता है. सेकंड है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी बैंड, यानी कि फ्रीक्वेंसी बैंड के आधार पर, जो कि माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी बैंड है, उसका क्लासिफिकेशन कीजिए. जैसे HF, VHF, UHF, LSC, XK, UKA, सब MM, ये सब मैं आपको बताऊँगा ब्रीफ में कि क्या है. थर्ड है माइक्रोवेव डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ना है एंड टिपिकल एप्लीकेशंस भी जानने हैं उनके. आपको कोई भी मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं करना है. कुछ डिवाइसेस के नाम दिए गए हैं, इन डिवाइसेस को आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट है मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन, रेफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन, मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब, गन डायोड, इम्पैक्ट डायोड, ट्रैपेड डायोड एंड पिन डायोड. ये सभी आपके सिलेबस में हैं. ये सिलेबस में आपके इतने डिवाइसेस जो है इंक्लूडेड हैं, इनको आपको पढ़ना है. तो इस यूनिट में मैं आप सबको सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू माइक्रोवेव्स एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, यानी कि माइक्रोवेव का परिचय देने जा रहा हूँ और उनके अनुप्रयोग. तो सबसे पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रोवेव्स को. प्रत्येक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा और जो भी पॉइंट आपको समझ में ना आए उस पॉइंट को आप एक प्रकार से डायरेक्ट करके आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके आंसर का जरूर ही जवाब दूंगा. ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं पहले पॉइंट को. माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुज फ्रीक्वेंसीज रेंज फ्रॉम 1 GHz टू 300 GHz. माइक्रोवेव्स जो होते हैं एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर के क्रम में विभेदन क्षमता या फिर रेडिएशन का क्रम जो है या फिर फ्रिक्वेंसी क्रम है, उसमें पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड माइक्रोवेव्स, इन्फ्रारेड, विजिबल लाइट एंड अल्ट्रावायलेट और एक्स और गामा. ठीक है, ये सभी रेंज होते हैं. तो उसमें माइक्रोवेव्स की अपनी एक फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, जो फ्रिक्वेंसी रेंज 1 GHz टू 300 GHz वैरी करती है. चूँकि फ्रिक्वेंसी इतनी हाई है इसलिए इसका वेवलेंथ बहुत कम होगा. चूँकि हम जानते हैं फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है. तो यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो 1 से 100 cm तक का है. सेकेंड पॉइंट है माइक्रोवेव्स ऑफर्स एंड इंक्रीज्ड बैंडविड्थ. क्योंकि माइक्रोवेव का जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो काफ़ी बड़ा है, यानी 1 GHz और 300 GHz, यानी कि उसकी बैंडविड्थ भी हाई होगी. यानी माइक्रोवेव में क्या है कि हाई बैंडविड्थ अवेलेबल है. चूँकि माइक्रोवेव की बैंडविड्थ ज़्यादा है इसलिए इसकी जो इन्फॉर्मेशन कैरी करने की क्षमता है वो भी मैक्सिमम होगी, ये तो जाहिर सी बात है. थर्ड पॉइंट है माइक्रोवेव सिस्टम्स आर रिलायबल, मीन जो माइक्रोवेव सिस्टम होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं. माइक्रोवेव आर मेनली यूज्ड इन रडार, रेडियो, टेलीविजन, सैटेलाइट एंड माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, फेस्टिमाइल कम्युनिकेशन, एयर नेविगेशन, माइक्रोवेव ओवन. आप लोगों ने माइक्रोवेव ओवन के बारे में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि 5th semester का सब्जेक्ट है उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा माइक्रोवेव ओवन के बारे में, जिसमें माइक्रोवेव का हीटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. यहाँ पर एक पॉइंट है फेसिमाइल कम्युनिकेशन, जिसे आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इसे हम लोग फैक्स भी कहते हैं. अब शायद आप लोगों को पता चल गया होगा कि फैक्स क्या होता है. नेक्स्ट पॉइंट है VHF एंड UHF वेव्स आर आल्सो माइक्रोवेव्स, जो कि VHF का फुल फॉर्म होता है वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, UHF का होता है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी. ये दोनों तरंगे भी एक प्रकार से माइक्रोवेव्स की ही रूप हैं एंड इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 10^9 Hz टू 3×10^4 Hz तक वेरी करती है. ये जो तरंगे होती हैं ये विशेष प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड वाल्व्स, ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करके इसे जनरेट किया जा सकता है. ठीक है, तो ये तरंगे विशेष प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वाल्व्स, ट्रांजिस्टर्स जैसे कि मैग्नेट्रॉन, क्लेस्ट्रॉन इत्यादि से जनरेट की जा सकती हैं. एक नोट है उसे ध्यान दीजिएगा कि माइक्रोवेव जो होती हैं इसके लिए मैंने एक कोटेशन दिया है यहाँ पर, माइक्रोवेव -- स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन. इसको समझने का प्रयास कीजिए कि माइक्रोवेव में भी जो प्रकाश की तरह सीधी रेखाओं में गति करने का गुण होता है जिसे हम स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन कहते हैं. आप जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखाओं में गति कर सकती है, वैसे माइक्रोवेव में भी सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन की प्रॉपर्टीज में भी होती है.
बहुत अधिक दूरी के कम्युनिकेशन के लिए लाइन ऑफ साइट के अंदर रिपीटर्स का प्रयोग होता है, जो कि क्या होता है, जो सिग्नल होता है वो एटेन्यूएट होने लगता है, जिसके लिए हमें रिपीटर्स का यूज़ करना पड़ता है। ये रिपीटर्स होते क्या हैं, ये रिपीटर्स माइक्रोवेव सिग्नल को रिसीव करके एम्पलीफाई व पुनः ट्रांसमिट यानी रिट्रांसमिट करते हैं। रिपीटर्स के मध्य की जो दूरी होती है वो 40 से 50 किलोमीटर तक की दूरी होती है, तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ माइक्रोवेव। इसमें कुछ एडवांटेज भी हैं, जैसे सपोर्ट्स लार्जर बैंडविथ एंड हेंस मोर इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड। चूंकि इसका फ्रिक्वेंसी बैंडविथ ज़्यादा होता है इसलिए यह ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, ये तो मैंने अब आपको पहले ही बताया है। फॉर दिस रीजन माइक्रोवेव आर यूज टू पॉइंट कम्युनिकेशन। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कहने का मतलब है जैसे कि टेलीफोन, यानी एक जगह अगर मैं कॉल करूं तो दूसरी जगह पर कोई एक व्यक्ति उठाए, ऐसा ना हो कि मैं एक जगह से कॉल करूं और कई विभिन्न माध्यम में जा करके और कई लोग उस कॉल को रिसीव करें। तो ये होता क्या है, वन टू अनदर, यानी एक का एक से ही जो कम्युनिकेशन होता है वह वन टू वन पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कहलाता है। इसका बढ़िया उदाहरण जो कि मैंने दिया अभी टेलीफोन। नेक्स्ट पॉइंट है मोर एंटीना गेन इज़ पॉसिबल। इसमें क्या होता है कि माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होती है इसलिए इसका एंटीना गेन भी पॉसिबल होता है, ज़्यादा एंटीना गेन होता है इसमें। नेक्स्ट है हायर डाटा रेट्स आर ट्रांसमिटेड एज द बैंडविड्थ इज मोर। चूंकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कैरी कर रही है और डेटा रेट भी ज़्यादा है, रीज़न क्या है, बैंडविड्थ ज़्यादा है। एंटीना साइज गेट्स रिड्यूस्ड एज द फ्रिक्वेंसी इज हायर। देखिए फ्रिक्वेंसी हाई होने से कितने फ़ायदे हैं, एंटीना का साइज़ भी घट जाता है जिससे कॉस्ट भी घट जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए लो पावर कंजम्पशन एज अ सिग्नल आर ऑफ हायर फ्रिक्वेंसी। पावर कंजम्पशन भी कम होता है, इफेक्ट ऑफ फेडिंग गेट्स रिड्यूस्ड एज द फ्रिक्वेंसीज आर हायर। प्रायः हम लोग देखते हैं कि किसी भी वेव के ट्रांसमिशन में फेडिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, बट ड्यू टू लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन इसमें क्या होता है कि जो फेडिंग इफेक्ट होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स इफेक्टिव रिफ्लेक्शन एरिया इन द रडार सिस्टम। रडार सिस्टम में मेनली इसका यूज़ करते हैं और ये बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्शन एरिया प्रोवाइड करता है जिससे हमें उस मिसाइल के उस एयरक्राफ्ट की लोकेशन का अच्छा सा क्या होता है, हमें लोकेशन और टारगेट की दूरी के बारे में पता चल जाता है। सैटेलाइट एंड टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन विथ हाई कैपेसिटीज़ आर पॉसिबल। सैटेलाइट और टेरेस्ट्रियल, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हम लोग जानते ही हैं और एक होता है टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन। सैटेलाइट जो होता है वो स्पेस में सैटेलाइट होता है, नीचे से कनेक्ट करते हैं, रिसीवर उसे जो है रिसीव कर लेता है, तो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है। टेरेस्ट्रियल में अर्थ पे ही होगा सैटेलाइट, जो अर्थ पे ही टावर्स लगे होते हैं उन टावर्स की मदद से लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन का यूज़ करके हम लोग टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन करते हैं। ये भी माइक्रोवेव की सहायता से आसानी से की जा सकती है। लो कॉस्ट मिनिएचर माइक्रोवेव कंपोनेंट्स कैन बी डेवलप्ड। माइक्रोवेव के बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स भी हैं जो कि डेवलप किए जाते हैं लो कॉस्ट पे, जैसे कि छोटा छोटा माइक्रोवेव ओवन भी होता है जो कि अभी व्हर्लपूल नाम की एक कंपनी है, आप लोग जानते होंगे, फ्रिज वगैरह बनाती है, उसका एक मॉडल है WAC2005। इसको देखिएगा आप लोग गूगल पे तो पता लगेगा कि हाँ ये एक माइक्रोवेव ओवन टाइप का है, ये बहुत ही छोटा है, मिनिएचर है, सबसे लो कॉस्ट का है। नेक्स्ट है इफेक्टिव स्पेक्ट्रम यूजेस विथ वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन। इसमें इफेक्टिव स्पेक्ट्रम यूज़ होती है जिसके वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, एप्लीकेशंस भी बहुत होते हैं और इन ऑल अवेलेबल फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके कुछ डिसएडवांटेज देखते हैं और समझते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट और इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज हाई। चूंकि हम लोग जानते हैं माइक्रोवेव में अभी हम इसका रडार में यूज़ करने लगे, चूंकि रडार एक भारी भरकम पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसका कॉस्ट, तो पहला कॉस्ट तो बहुत ही ज़्यादा आएगा ही इंस्टॉलेशन का। तो इसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि एक बड़े होते हैं छोटे होते हैं, जो साइज़ के अनुसार पर, अपने कैपेसिटी के अनुसार पर, अपनी आवश्यकता के अनुसार पर इसकी कॉस्ट ऊपर नीचे होती रहती है। दे आर हेफ्टी एंड ऑक्यूपाई मोर स्पेस। ये भारी होते हैं और काफ़ी स्पेस भी जो है लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस में आकर, इसमें इंटरफेरेंस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकता है जो कि फेडिंग इफेक्ट कहते हैं, जिसे फेडिंग इफेक्ट थोड़ा घट जाता है इसमें ड्यू टू इस सीधी लाइन में चलती है इसी नाते। नेक्स्ट है वेरिएशन इन डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ विथ टेम्परेचर में आकर। माइक्रोवेव के डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ में टेम्परेचर के साथ वेरिएशन आ सकते हैं, इनहेरेंट इन एफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का इसमें इनहेरेंट इनएफिशिएंसी होती है। ये अब माइक्रोवेव के कुछ एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं, जैसे कि विभिन्न एरियाज़ में इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, बट हम लोग वन बाय वन करके इसके एप्लीकेशंस को देखते हैं। जैसे वायरलेस कम्युनिकेशन में
माइक्रोवेव का क्या एप्लीकेशन है, ये देखते हैं। नंबर वन, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल्स, लंबे डिस्टेंस के जो टेलीफोन कॉल्स होते हैं वो भी माइक्रोवेव की सहायता से आसानी से किए जा सकते हैं। ब्लूटूथ, ब्लूटूथ भी माइक्रोवेव के सिद्धांत पर ही वर्क करता है। वाईमैक्स ऑपरेशन, वाईमैक्स ऑपरेशन मीन्स होता है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ये क्या होता है, ये वायरलेस ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन के फैमिली का है, ये भी वाईमैक्स ऑपरेशन। नेक्स्ट है आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग ट्रांसमिशन। आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग ट्रांसमिशन का मतलब जैसे टेलीविज़न, टेलीविज़न क्या होता है, आप लोग को न्यूज़ आता है तो डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग होता है आउटडोर से, और जैसे न्यूज़ होता है, स्पोर्ट्स न्यूज़ होते हैं, ये भी डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग होते हैं। नेक्स्ट है ब्रॉडकास्ट ऑक्सिलरी सर्विस यानी BAS। ये एक प्रकार का रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम होता है जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन में कार्य में आता है, ये भी माइक्रोवेव पर ही आधारित एप्लीकेशन है। रिमोट पिकअप यूनिट, हम जानते हैं टीवी को रिमोट से कंट्रोल करते हैं, वहाँ भी माइक्रोवेव का यूज़ होता है। स्टूडियो या ट्रांसमीटर लिंक, डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट DBS, जो कि हम लोग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि PCs में भी इसका यूज़ होता है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क WAN, LAN, ये सब हम लोग पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट कम्युनिकेशन में, जो कि अभी हम लोग को पढ़ना है इस सेमेस्टर में। नेक्स्ट है सेलुलर वीडियो VC सिस्टम। VC कोई बड़ी चीज़ नहीं है, VC मीन्स वीडियो कॉल होता है, जो कि सेलुलर वीडियो कॉल सिस्टम भी होता है, वो भी माइक्रोवेव की सहायता से क्या होता है, पिक्चर्स को, लेटर्स को, इत्यादि को हम क्या करते हैं, वन एरिया से सेकेंड एरिया में हम लोग ट्रांसमिट करते हैं विथ माइक्रोवेव। ऑटोमोबाइल कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, प्रायः हम लोग देखते हैं अभी बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं ऑटोमोबाइल से जो एक्सीडेंट हो जाते हैं गाड़ियों की आपस में ड्यू टू द मतलब ध्यान भटक जाता है, इसके नाते क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है ड्राइवर का, तो ऐसा कोई सिस्टम जनरेट करें जिससे एक्सीडेंट रुक जाए। तो इसका सिस्टम ये है कि अगर मान लो कि 1 मीटर, 2 मीटर, 1.0.5 मीटर के नज़दीक अगर कोई गाड़ी आपस में आ जाती है तो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम आ जाए तो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होगा जो कि माइक्रोवेव की सहायता से संभव हो सके। नेक्स्ट यूज़ इसका इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, जैसे फास्ट जिटर फ्री स्विचेस में इसका यूज़ किया जाता है, जिटर मीन्स डेविएशन फ्री समझिए, एंड फेज शिफ्टर्स में इसका यूज़ किया जाता है, हाई फ्रिक्वेंसी जनरेशन में, ट्यूनिंग एलिमेंट में, ECM या ECCM यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कंपोनेंट या सिस्टम जो होता है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिस्टम्स में भी, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक का ही एग्जाम्पल है, इसमें माइक्रोवेव का यूज़ प्रॉपरली किया जाता है। माइक्रोवेव के कुछ कॉमर्शियल यूजेस भी हैं, जैसे बर्गलर अलार्म। बर्गलर अलार्म क्या होता है, जैसे कि ये अलार्म्स होते हैं जैसे घर में कोई, या फिर किसी कॉमर्शियल यूज़ में, या किसी इंडस्ट्री में, किसी दुकान में, किसी व्यवसाय में, हम लोग एक तार से घेराई कर देते हैं आसपास, ताकि जब कोई चोर इंटर करे रात को या दिन को हमारे घर में, हमारे इंडस्ट्री में, हमारे मकान में, हमारे दुकान में, तो अगर उसके पैर से या किसी भी चीज़ से वो तार फंस जाए और तार टूट जाए या तार हिल जाए, तो जो बर्गलर अलार्म होता है वो बहुत तेज़ी से आवाज़ करने लगता है, जिससे मालिक को या दूर बैठे किसी आदमी को माइक्रोवेव कम्युनिकेशन की सहायता से पता लग जाता है कि हाँ यहाँ पर कोई घुसा है। ठीक है, नेक्स्ट है गैरेज डोर ओपनर्स। डोर ओपनर्स में भी इसका यूज़ होता है। पुलिस स्पीड डिटेक्टर में भी इसका यूज़ होता है। आइडेंटिफिकेशन किया जाता है बिना नॉन कॉन्टैक्ट मेथड से, सेल फोन्स, पेजर्स, वायरलेस लैंस, सैटेलाइट टेलीविज़न, XM रेडियो, मोशन डिटेक्टर, रिमोट सेंसर इत्यादि सभी जगहों पर माइक्रोवेव का मैक्सिमम यूज़ देखा गया है। नेविगेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेविगेशन में जैसे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जैसे GNSS, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो कि हमारा इसरो भी कहीं ना कहीं से पहले यूज़ करता था, अभी तो चेंज हो गया है। एंड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS, GPS हम लोग भी यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में गूगल मैप की सहायता से, वो भी एक GPS का ही पार्ट है, तो ये नेविगेशन सिस्टम में भी माइक्रोवेव की सहायता से ये वर्क करते हैं। मिलिट्री एंड रडार में भी इसका यूज़ होता है, जैसे रडार टू डिटेक्ट द रेंज एंड स्पीड ऑफ द टारगेट। मान लीजिए कोई मिसाइल आ रहा है, कोई भी एयरक्राफ्ट या फिर कुछ भी, कोई भी फाइटर जेट आ रहा है, तो हमें उसकी दूरी, कितने दूर पर है वो, कितना उसका सेफ है, क्या साइज है, कितनी दूरी पर है क्या वो मिसाइल है, क्या है, ये सब पता करने के लिए, हमें उसका लोकेशन पता करने के लिए माइक्रोवेव कम्युनिकेशन का यूज़ करना पड़ता है, जो कि रडार में यूज़ होता है। सोनार एप्लीकेशन, सोनार जो कि पानी के पनडुब्बियों में सोनार का यूज़ किया जाता है, ठीक है, वहाँ पर भी माइक्रोवेव कम्युनिकेशन का यूज़ होता है।
एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वेदर फोरकास्टिंग यानी मौसम का जो पहले से ही भविष्यवाणी की जा सकती है माइक्रोवेव की सहायता से। नेविगेशन, आप शिप्स का नेविगेशन आसानी से किया सकता है। माइंड स्वीपिंग एप्लीकेशन, माइंड स्वीपिंग का मतलब है जैसे जो पनडुब्बियाँ होती हैं उनको ध्वस्त करने के लिए, उनका नाश करने के लिए क्या होता है कि अंदर ही अंदर माइंस बिछा दी जाती हैं समुद्र में, तो माइंस बिछाने के कारण उनको काफ़ी क्षति हो सकती है। तो वही माइंस स्वीपिंग को पता करने के लिए, माइंस को पता करने के लिए हम माइक्रोवेव कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। स्पीड लिमिट इन्फोर्समेंट के लिए भी इसका यूज़ होता है। मिलिट्री यूजेस माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज फॉर कम्युनिकेशन एंड फॉर द एबव मेंशन एप्लीकेशन। ठीक है, मिलिट्री यूज़ में भी इसका जो है यूज़ किया जाता है माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज का। आइए अब लोग नेक्स्ट को समझते हैं। रिसर्च एप्लीकेशन में भी इसका यूज़ होता है, जैसे कि एटॉमिक रेजोनेंसेस पता करने में, न्यूक्लियर रेजोनेंस पता करने में भी इसका यूज़ होता है। अब ये क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने 11th या 12th में पढ़ा होगा सिंगल लुईस फार्मूला, जिसमें क्या होता है यूज़ किया जाता है रेजोनेंस पता करने के लिए। बट कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जिसमें सिंगल लुईस फार्मूला यूज़ ही नहीं होता। तो ये सब पता करने के लिए हमें एटॉमिक एंड न्यूक्लियर रेजोनेंसेस में यानी रिसर्च एप्लीकेशंस में इसका यूज़ किया जाता है। अब बात आती है फूड इंडस्ट्री की, तो फूड इंडस्ट्री में भी इसका बढ़ चढ़ के प्रयोग होता है। जैसे माइक्रोवेव ओवन, जो कि आप लोगों ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, फूड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, प्री हीटिंग एप्लीकेशन, प्री कुकिंग, रोस्टिंग फूड ग्रेन्स और बीन्स, ड्राइंग पोटैटो चिप्स, मॉइस्चर लेवलिंग, एब्जॉर्बिंग वाटर मॉलिक्यूल्स इत्यादि के लिए हम लोग माइक्रोवेव के हीट एनर्जी का प्रयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोवेव का। हीट का एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी होता है जो कि हम लोगों को आगे पढ़ना भी है ब्रीफ में, तो ये फूड इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग टेक्निक में भी इसका यूज़ होता है, जैसे रिएक्टिव आयन इचिंग। इचिंग के प्रोसेस हम लोग जानते ही हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में ही EMMM में पढ़ाया गया होगा, वहाँ पर रिएक्टिव आयन इचिंग में भी इसका यूज़ होता है, जिसे निक्षारण कहते हैं। केमिकल वेपर डिपोजिशन में भी इसका यूज़ होता है माइक्रोवेव का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका है। कुछ इसके अन्य भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे मेडिकल एप्लीकेशन में, मॉनिटरिंग हार्ट बीट, हार्ट बीट को पता करने में, लंग वाटर को डिटेक्ट करने में कि फेफड़ में पानी कितना है, ट्यूमर को डिटेक्ट करने में, रीजनल हाइपरथर्मिया को, थेरेपेटिक एप्लीकेशंस में, लोकल हीटिंग पता करने में, एंजियोप्लास्टी। आप लोग जानते हैं एंजियोप्लास्टी क्या होता है, जैसे हार्ट अटैक आने पे ब्लड वेसल का एंजियोप्लास्टी किया जाता है, जिसमें रक्त का प्रवाह रुक जाता है उसको बढ़ाने के लिए नसों में, तो यहाँ पर भी माइक्रोवेव का यूज़ देखा गया है। कुछ इसके अन्य यूज़ भी हैं, आइए देखते हैं। अदर एप्लीकेशंस में जैसे माइक्रोवेव हीटिंग में, मैक्सिमम मटेरियल्स में माइक्रोवेव पावर एब्जॉर्प्शन की जो रेट होती है उनमें उपस्थित मॉइस्चर के समानुपाती होती है। हम लोग जानते ही हैं मटेरियल की जो ये विशेषता होती है, इसका प्रयोग हम माइक्रोवेव हीटिंग में करते हैं। पदार्थों को गर्म करने के लिए माइक्रोवेव आवृत्तियों को उनके अंदर तक प्रोपिगेट कराया जाता है। आपको ऐसे किसी भी पदार्थ को अगर गर्म करना है तो उसको माइक्रोवेव की जो वेव्स हैं वो उसके अंदर तक प्रोपिगेट करती हैं, जिससे उसके वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर सकें और उसे हीट प्रदान कर सकें, जिससे पदार्थ एक समान रूप से गर्म हो जाते हैं। आजकल घरों में माइक्रोवेव ओवन का भी यूज़ किया जाता है, जिससे घरों में खाना जो होता है उसको गर्म या ताज़ा रखा जा सकता है। नेक्स्ट है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि माइक्रोवेव का जो यूज़ होता है कंक्रीट ब्लॉक्स, पिलर्स आदि में पड़ी दरारों का पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दरारों का मापन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसे माइक्रोवेव का रिफ्लेक्शन जो हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी उसका यूज़ करके पता किया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोवेव क्लॉक्स। कुछ अणु व परमाणु माइक्रोवेव आवृत्तियों का रेजोनेंस मतलब कुछ एटम्स ऐसे भी होते हैं जो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज पर रेजोनेंस जनरेट करते हैं। इस प्रॉपर्टी का उपयोग जो मैक्सिमम नियत घड़ी में बनाने में किया जाता है, यानी अत्यंत नियत घड़ी जो होती है काफ़ी अच्छे से चले वो घड़ी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें सीजियम-133 का यूज़ किया जाता है, जिनकी स्टेबिलिटी बहुत अधिक होती है, तो ये आपको पता रखना है। नेक्स्ट है रेडियो एस्ट्रोनॉमी। दूर स्थित ग्रह तथा तारों के रेडिएशन को हाई डायरेक्टिविटी वाले एंटीना से पिकअप किया जाता है तथा उसे हाई गेन एंड निम्न नॉइज़ जो कि लो नॉइज़ वाइड बैंड माइक्रोवेव सुपर हेटरोडाइन रिसीवर द्वारा रिसीव कर उसका प्रोसेसिंग किया जाता है इसमें रेडियो एस्ट्रोनॉमी में। नेक्स्ट है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें अनुसंधान यानी रिसर्च के क्षेत्र में माइक्रोवेव का उपयोग माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है, जिसमें परमाणवीय व आणविक संरचना का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंदर एटॉमिक व मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में पता किया जाता है, जैसे क्वार्क्स, ल्यूकॉन्स इत्यादि। नेक्स्ट है माइक्रोवेव सोलर पावर स्टेशन।
दुनिया की ऊर्जा समस्या में के क्षेत्र में माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा को स्टोर करने की समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता है। सैटेलाइट पावर स्टेशन जिसको SPS भी कहते हैं, उसमें सोलर एनर्जी को पहले DC में बदला जाता है, फिर DC को माइक्रोवेव में कन्वर्ट कर दिया जाता है। माइक्रोवेव बीम्ड एनर्जी को पृथ्वी पर रिसीविंग एंटीना द्वारा रिसीव किया जाता है तथा इस ऊर्जा को पुनः DC ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि सैटेलाइट पावर स्टेशन साल भर लगातार कार्य करते हैं। एक वर्ष में केवल 22 दिन की अवधि में केवल 72 मिनट ही अंधकार रहता है। यदि सैटेलाइट पावर स्टेशन और पृथ्वी पर एंटीना एक ही लॉन्गिट्यूड पर हों तो अंधकार समय हमेशा लगभग मध्यरात्र में ही पड़ता है, जिससे SPS का वर्ष में लगातार कार्य का समय लगभग 99% से ज़्यादा हो जाएगा। आई होप इसमें जो मैंने माइक्रोवेव का इंट्रोडक्शन दिया, जो एडवांटेज मैंने बताया, डिसएडवांटेज बताया, एप्लीकेशंस बताएं, ये सब आपको समझ में आया होगा। ये प्योर थ्योरेटिकल पार्ट था जो कि मैंने आपको पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास किया है। और अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरे इस लेक्चर को लाइक कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि हाँ, इस चैनल पे ये लेक्चर चल रहा है, इसको अटेंड करें। धन्यवाद।